कोई मेरी वजह से अपाहिज बन गया, कोई मेरी वजह से अपाहिज बन गया। सारा दोष मेरा ही था, सारा दोष मेरा। 10 साल 2 महीने और 14 दिन, 10 साल 2 महीने और 14 दिन। तुम्हें कौन सी प्लेट्स चाहिए? यहाँ पर सूप प्लेट्स हैं, फ्लैट प्लेट्स हैं और मीडियम साइज की प्लेट्स भी हैं। सारी ले आओ, मैं चुन लूंगी। अच्छा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। नहीं, उन्हें वही रहने दो, उनकी जरूरत नहीं। आलिया क्या हुआ? आलिया कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम मेरे पास आओ। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ पक्का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं प्लीज मत जाओ, मुझे यार्ड में ले चलो प्लीज। पक्का? हाँ हाँ मुझे ले चलो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, तुम शांत रहो ठीक है। अतीत से सामना। अरे ध्यान से खेलना बच्चों, किसी चीज को तोड़ना नहीं बेटा, ध्यान से डालना उसमें। एपिसोड 3। ध्यान से बेटा। बोरिया जरा सुनो, एंजेला बाहर आई हुई है, जाओ जाकर उससे बात करो, जाओ। हाँ मम्मा, हाय। बच्चों मम्मी आ गई। मम्मा देखो वहाँ पे खड़ी है, जाओ 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 जाके मम्मी से मिल लो, देखता हूँ कि सबसे पहले गले कौन मिलता है मम्मी से। चलो 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 जाओ जाओ जाओ। मैं पहले आऊंगी। इधर आओ माशा। पापा मैंने कार्टून देखा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे लगा कि तुम्हारा बच्चों बताओ आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलो बताओ कौन कौन खाएगा। चलो चलो चलो, अरे चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो मुझे हाई फाइव। हम लोग कैफे जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। ओके बाय बाय बाय। हाँ हाँ चल रहे हैं बच्चों। पता है मुझे हमेशा लगता था कि ये सही नहीं हुआ। मेरी मॉम चाइल्ड बर्थ के दौरान गुजर गई। मैं उन्हें केवल उन तस्वीरों और कहानियों से जानती हूँ जो मेरे डैड और मेरे भाई ने उनके बारे में बताई थी, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो मुझसे बातें करती हैं और मैं उन्हें जवाब देती हूँ। ये तो कमाल है, सच में कमाल है। तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? मेरे डैड और मेरे भाई ने सिर्फ मुझे बड़ा नहीं किया। क्या मतलब? उन्होंने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी। कमाल की बात है। चुप भी रहो, तुम्हें कमाल के अलावा और कोई शब्द आता नहीं है क्या? सॉरी पर मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। किस बारे में कहना क्या चाहती हो? छोड़ो जाने दो, बस चुपचाप यहां बैठते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझसे यहाँ पे आने का वादा किया था और मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे घर की चाबियाँ तुम्हें क्यों चाहिए। बताओ क्या छिपा रही हो मुझसे? डेनिस, आई एम सॉरी, मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगी। नहीं साशा, पता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुमने तो मुझे यहाँ पे अकेला ही छोड़ दिया है। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे आने वाली हो कि नहीं, और प्लीज इस बार सच बोलना।
तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये बताओ, कुछ हुआ है क्या? देखो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ यार। डेनिस, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। देखो साशा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सचमुच ठीक चल रहा होगा, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। देखो सब ठीक है, काम डाउन। ठीक है, आई लव यू मेरी जान। बाय बाय। ठीक है, बाय। हाय मेरी गिलहरी, अंदर आ जाओ। हाय पापा, आइए ना। ये तुम्हारे लिए, ये लो। थैंक यू सो मच। आज काम पर आपका दिन कैसा रहा? ठीक था, रोज की तरह, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर का होता है। वैसे आज कुछ ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिले। डेनिस का कॉल आया था, तुम्हें पूछ रहा था। मैं जानती हूँ, अच्छा लड़का है वो। मैं ये भी जानती हूँ। पापा क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ हुआ है नहीं तो, लेकिन मैं अच्छा ये बताओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सुनो, मुझे चिंता हो रही थी, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, तुक 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 तुक। तो ये आप सबकी मिली भगत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रही हूँ ना। हाँ सच में ठीक है। ये बताओ, क्या तुम अब यहाँ पर रहने वाली हो? हाँ। अब थोड़ा आराम कर लो, बाद में मिलते हैं। ये एक मास्टरपीस है, मोने खुद नहीं बता पाएगा कि असली कौन सा नकली कौन सा। तुम्हें हाँ, क्या लगता वो है? तो मास्टरपीस है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या अपनी ऐसी पेंटिंग्स को मोने की पेंटिंग से कंपेयर करते हुए? हाँ, ये सच में मास्टरपीस है। अगर तुम्हें मोने पसंद नहीं है तो तुम बेशक मुझे तलाक दे सकती हो। ठीक है ठीक है, जो करना है। फिर से डिवोर्स ले रहे हैं क्या? अरे वाह, तुम यहाँ अपना पोर्ट्रेट लेने आई हो? मॉम डैड, ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आलिया से मिलिए। तुम्हारा मतलब कि ये आलिया है? अरे बाप रे, आखिरकार इसने। बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। मैं ओल्गा वितलेवना हूँ। ओह अच्छा, मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे बेटा, लियोशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू डैड। तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। सॉरी बेटा, ये बच्चे तो पैदा करेगी ना? मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम्हें कला के विषय में अच्छी जानकारी है। सही कहा। हाँ क्यों नहीं, कोई शक है क्या? जी थोड़ी बहुत। तुम दोनों के बच्चे हेल्दी होंगे ना? माम आपने एक ही सवाल पूछने के लिए कहा था। थोड़ा बहुत जानती हूँ। खैर इसका जवाब हाँ। पीड़ी कहाँ जानती है? I love you बेटा, मुझे नाज़ है। वैसे ही मुझे बेहद पसंद है। चलिए चलते हैं, वरना डैड इसकी पेंटिंग बनाने लग जाएंगे। ये तो मोने है ना, मॉर्निंग ऑन द सेन, सच में कमाल की कॉपी है। वाह क्या बात है, सुना तुमने? खैर अच्छा, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। थैंक यू डैड, और आप भी। क्या तुम्हें इस बारे में पता भी है? तो अब इसके बारे में कुछ बता। अच्छा ये तो किन शब्दों में बयान करूं मैं, ये तो कमाल है। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती ना? वेल नहीं। कोई बात नहीं, मैं सब समझा दूंगी। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती? जरूर। क्या आप उन सभी लड़कियों से अच्छे से पेश आती हैं जिनके साथ लियोशा आपको इंट्रोड्यूस करता है? सभी लड़कियां? मजाक कर रही हो?
क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसे उसने हमसे मिलवाया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों आज इतने खुश क्यों हैं? ये इम्पॉसिबल है। हम ईमानदार लोग हैं बेटा, हमेशा से ही, लेकिन हम थोड़े बेवकूफ हैं। बेटा मुझे ये बताओ, इस कछुए में ऐसा क्या खास है? लाओ अपना कप दो। थैंक यू। भैया का हाथ पकड़ो। हेलो, जरा होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए प्लीज, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, जरूरी कॉल है। ओके, मैं चलूँ? नहीं थैंक यू। बेटा यहाँ आओ, रोड के पास मत जाओ, यहाँ आओ। लियोशा। हेलो। हाँ, मेरा नाम अलेक्जेंड्रा एंड्रीवना गोरियाचेंकोवा है। हाँ, अलेक्जेंड्रा एंड्रीवना गोरियाचेंकोवा, उम्र 12 साल, सर्जिकल दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी और लिगामेंट्स एपिटस की कंपाउंड चोट लगी है। जी पक्का, मुझे अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवाना है। सब ठीक है? थैंक यू। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलते हैं यहाँ से। आ जाओ निकिता, आ जाओ, आ जाओ वानी, आ जाओ, चलो एंजेल आओ, चलो डैड के साथ चलो। हाँ लो इसे पकड़ो प्लीज। ला दो, मैं अभी आता हूँ। बच्चों तुम लोग मम्मी की बात सुनना, जो कहें वो मानना। ओके, घर नहीं जाना। बोरिया, बोरिया, हे भगवान बचा लेना। हम क्या करने वाले हैं बोरिया? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कि इसने क्या किया होगा? इसने उस बच्चे को अपनी साइकिल दे दी, लेकिन इसे भी तो साइकिल चाहिए, इसीलिए मुझे दो और तस्वीरें बनानी पड़ी। फिर मैंने उन दोनों को बेचकर इसके लिए नई साइकिल खरीदी। अरे बाप रे, इतना भी काम मत करो। हाँ बोलिए इवान। अच्छा तो क्या वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? नहीं, वो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। लियोशा, मुझे डर है कि हम रुक नहीं सकते, तुम्हें इसी वक्त यहाँ आना होगा। ठीक है, समझ गया, मैं वहां पहुंच रहा हूं। हाँ मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। वो आ रहा है। ओह माय गॉड, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक आप लोग आराम से बातें कीजिए। बस यूं गया, यूं आया। तुम कुकीज क्यों नहीं खाती हो? ये बहुत अच्छे हैं, खा कर देखो, तुम्हें इसका टेस्ट जरूर पसंद आएगा। लो 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 लो, ट्राई करो, ट्राई करो। तुम्हें भी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? मैं डाइट पर हूं। बस मॉम को तुम्हारी पेंटिंग मत बनाने देना, खासकर तुम्हारा पोर्ट्रेट। हाँ ठीक है, चलो। हेलो, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना? छुट्टी तो थी, लेकिन सुनो लियोशा, तुमने उस डिसेबल लड़की के बारे में बताया था, मुझे पता चला कि तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो। हाँ हम डेट कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। खैर जो भी है, हम उसे खुद निपट लेंगे, मुझे यकीन है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है लियोशा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुम उसका नाम भी जानते हो? उसका नाम आलिया है। आलिया, बस इतना ही? उसका पूरा नाम भी तो होगा, जैसे एल्बिना या एल्विटीना? नहीं, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, सुनने में अजीब लग सकता है, पर मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं। और क्या ये जरूरी है? ये सारी चीजें मायने रखती हैं लियोशा। क्या?
एलेक्सी व्लादिमिरोविच। हाँ मरीना। प्लीज जरा सुनिए, एक 12 साल की बच्ची है, वो साइकिल से नीचे गिर गई थी, उसकी नस दब गई है। मैं जानता हूँ मरीना, 5 मिनट लगेंगे, बहुत आसान काम है, कोई सीरियस बात नहीं है, आराम से सॉर्ट कर लेंगे, ये तो कोई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो लेओशा? हम इस बारे में बात कर रहे हैं, एक बार आप खुद नजर डालकर देख लीजिए। ये रहा सर, एक 12 साल की बच्ची है, उसकी नस दब गई है और रीढ़ की हड्डी खिसक गई है। ये ऑपरेशन बहुत आसान है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, देख लेना आप। तो क्या मैं एक और प्लांट ऑपरेशन कर सकता हूँ आज? लेओशा तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साधारण मामलों को बिल्कुल अनदेखा करो। तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। ऑपरेशन आखिरी जंग की तरह होता है, यही कानून है, याद रखना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन ये सच में बहुत आसान है, मुझे बस 5 मिनट ही लगेंगे सर। आराम से। प्लीज क्या मैं एक और प्लांट ऑपरेशन कर सकता हूँ? क्या तुम पहले भी उस लड़की से मिल चुके हो? किस लिए? मेरे पास ये चार्ट है ना। मैं 3 नंबर में ओनिसचेंको का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम इस केस को बोजेनोव को दे दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम यहीं रुको। ठीक है, बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस सर्जन से मिले जो आपकी बेटी का ऑपरेशन करने वाला है। ये एलेक्सी बोजेनोव। इवान मिखाइलोविच। ऑपरेशन एक सीरियस चीज है, क्या वो उसके लिए काफी छोटा नहीं है? हाँ आप सही कह रहे हैं, ये छोटा जरूर है, लेकिन आपकी बेटी एक सुरक्षित हाथों में। सच में? तो डॉक्टर कहता है कि लोग स्कीइंग करने जाते ही क्यों हैं? वो घर पे बैठकर आराम से एक हथौड़ा लेकर खुद के घुटने खुद ही क्यों नहीं तोड़ लेते, समझ रही हो तुम? स्काल्पल वहां खड़ी होकर क्या देख रही हो? नजदीक आओ ना, मैं काटूंगा नहीं। चलो आ जाओ, आराम से देखो, वरना सीख नहीं पाओगी। मुझे मास्क पहनने दो। ओह माय गॉड, गालिया, लियोशा, अब क्या होगा? अलेक्जेंड्रा एंड्रीवना गोरियाचेंकोवा, उम्र 12 साल, सर्जिकल दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसे रीढ़ की हड्डी और लेगामेंट्स एपरेटस की कंपाउंड चोट लगी है। बेटा, तुम बचोगे नहीं। लेओशा, मैं फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता, ये किसी के साथ भी हो सकता है, समझे? इवान मिखाइलोविच, एक 12 साल की बच्ची मेरी वजह से अपाहिज हो गई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसकी वजह मैं हूं। सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हारा, लेकिन ये वजह नहीं है कि इस पेशे को छोड़ दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि तुम एक महान सर्जन बनोगे, तुम सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां बचाओगे। कैसे? तुम्हें खुद को संभालना होगा, ये कैसा प्रोफेशन है जिसमें हर रोज सीखने को मिलता है। इवान मिखाइलोविच, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए एक लैंडमार्क केस होगा और यह समझ लो कि काफी समय तक चलने वाला है। तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा और अपनी प्रैक्टिस कहीं और करनी होगी। मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त नामीबिया में एक रेड क्रॉस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्हें कुछ अच्छे सर्जन्स की जरूरत भी है। यानी अफ्रीका? हाँ बिल्कुल, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या? मैं नहीं जानता, इसका फैसला वक्त करेगा। उसके भाई और पापा ने उसे पाला, मैं उस वक्त समझा क्यों नहीं, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लियोशा, क्या वो जानती है कि तुम कौन हो? नहीं। लेओशा, हम माफी चाहते हैं, लेकिन बस तुम्हें सावधान करना चाहते थे, और अब दुर्भाग्यवश तुम्हें इन सब से भी निपटना पड़ेगा। जी, थैंक यू इवान मिखाइलोविच, थैंक यू बोरिया।
हेलो ल्योशा। हाँ। तुम कहाँ हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ल्योशा, आज हम मिल रहे हैं ना? हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ। E8 missed. F4 missed. M2 missed. पर वो पेशेंट बहुत A3 missed. ओके. D2 missed. हाँ सुन रही हूँ तुम्हारी बात। अब है डॉक्टर ग्रेमिन, फोन उठाइए प्लीज। ठीक है, बस एक सेकंड। C2 मिस्ड। सेंट्रल इमरजेंसी केयर हॉस्पिटल एडमिशन डिपार्टमेंट। E5 तो अच्छा बताओ क्या हुआ। ओके शूट मी, कांग्रेट्स। ल्योशा, ल्योशा, कितनी देर से इंतजार कर रही थी। कुछ हुआ है क्या? आलिया, मैं वही डॉक्टर हूं, वही सर्जन। तुम मेरी वजह से ही अपाहिज हुई हो। आखिर तुम्हें याद आ ही गया। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें कभी भूली ही नहीं थी। आलिया, आलिया, रुको प्लीज, रुको, रुको, रुको प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हर चीज ठीक कर दूंगा। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, वो अलग अलग देशों में रहते हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरी हेल्प करोगे? हाँ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प की जरूरत उस 12 साल की बच्ची को थी। मैंने कोशिश की थी, मैंने पूरी कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता। मैं नया था और एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, और तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उन्हें कुछ और दिन तुम्हें हॉस्पिटल में रखना चाहिए। क्या कहा, मेरे पेरेंट्स ने मौका नहीं दिया? तो मेरे डैड और भाई तुम्हारे रास्ते में आ गए हैं ना? फोन उठाओ, कोई और भी है जो तुम्हारे हाथों डिसेबल बनना चाहता है। ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे एक्चुअली कॉल उठाना होगा। हाँ मरीना। डॉक्टर एलेक्सी, हमें आपकी जरूरत है। नशे में धुत एक ड्राइवर ने गाड़ी बस स्टॉप पर चढ़ा दी है। और कितने विक्टिम्स हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे। डॉक्टर एलेक्सी, उनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। हमें और लोगों को भेजना पड़ेगा। डॉक्टर एलेक्सी जल्दी आ जाइए। ठीक है समझ गया, मैं बस आ रहा हूँ। अरे देखो, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। ठीक है जाओ यहाँ से, ये बातचीत यहीं खत्म होती है। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। मैंने जो रिजर्वेशन कैंसिल किया था, मुझे वो वापस चाहिए। अलेक्जेंड्रा एंड्रीवना गोरियाचेंकोवा। शिट। मिल गई। चलो जल्दी चलते हैं। यहां पर मरीना, क्या हुआ इसे? पीठ, गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें हैं। ब्लड प्रेशर इस वक्त आप कैसे महसूस कर रही हैं? अच्छा नहीं। अच्छा, बोरिया कहाँ पर है? वो सेकंड ओआर में रेडी हो रहे हैं। सेकंड ओआर तैयार है। ठीक है, तो इसे वहीं लेकर चलो। जल्दी चलो। अरे नहीं, इसको ओआर में। हाँ जल्दी करो। करीब एक घंटे पहले शहर के बीचों बीच एक भयानक हादसा हुआ। नशे में धुत ड्राइवर ने अपनी कार चलाते वक्त नियंत्रण खो दिया था। बेटा, और उसकी वजह से ये भयानक दुर्घटना। दरअसल मिथ्या ने हमें इनवाइट किया है। उसने प्रॉमिस किया है कि उसके बाद वो हमें घर ले जाएगा। पता लगा है कि शायद हमें जाना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ था, उनकी अवस्था अभी बहुत ही खराब है। ठीक है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये बहुत बढ़िया है, हमें हर वक्त घर पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
कहीं से लगा। हाँ वहाँ पे एक इंसर्शन करो। क्या तुम्हें डिजी फील हो रहा है? मेरा पैर। एक मिनट है, बस अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस पेशेंट को कानून देख लेगा। और मरीना, इसे क्या हुआ है? इसके टीबिया टिश्यूज फट गए हैं, क्लोज चेस्ट इंजरी है। सिर्फ और ठीक है, तो मैं ही से लेकर जा रहा हूँ। और ये केस अर्जेंट है, इंटरनल हैमरेज हुआ है और रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे हैं। स्पाइनल इंजरी, पैरापैरालिसिस। ये मर रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, दोनों को साथ में नहीं ले सकता। डॉक्टर एलेक्स, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सच में कर सकता हूँ। दो ओआर फ्री है। ठीक है सॉरी, तुम लड़की को ओआर 3 में ले जाओ। नयोशा, डॉक्टर जॉर्जी ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं किया है। तुम हेल्प करोगे, जिम्मेदारी मेरी है। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। दाशा, इसे लेकर मेरे साथ ओआर 6 में चलो। हाँ हाँ। जल्दी करो ना दाशा, जल्दी करो। लेफ्ट साइड से कोई सिग्नल नहीं है डॉक्टर। डिस्चार्ज 200 पर रखो। सब पीछे हट जाओ। टूथ ही क्लैंप देना, स्टिच कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है, पता है, क्लैंप देना। इससे मदद नहीं मिलेगी, लड़की मर रही है। मैं जो कहता हूं वो कीजिए अभी। हेमरेज नहीं रुक रहा है। हाँ समझ गया, क्लैंप दो। डॉक्टर ना पल्स है ना ब्रीदिंग। अरे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तुमने उसे बचा लिया डॉक्टर जॉर्जी। हाँ तुमने उसे बचा लिया। इट्स ओके। व्लादिमीरोविच डिस्चार्ज। लेकिन वो कम ऑन डिस्चार्ज, पीछे हो जाओ, 250 पर कर दो जल्दी। माफ करना दोस्त, टाइम ऑफ डेथ लिखो, 11:06। साशा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हे सुनो ना, कुछ सोच रही थी। देखो साशा, मैं सीरियस हूँ, अगर कुछ गलत हुआ है तो तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए। सब कुछ ठीक है पापा। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो आलिया, फिलहाल हम मित्या। हम कर लेंगे। क्या हुआ इसे? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हैं और ओपन न्यूरोथोरैक्स है, फिलहाल हमने फर्स्ट एड कर दिया है। ऐसे फ्रैक्चर्स के लिए बस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि इसे आखिरी में लाया गया है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर, ये वही शराबी लड़का है जिसने बस स्टॉप पर उन लोगों को मारा था। हाँ तो? कुछ नहीं, हम बस इसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ग्रेमिन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अलेक्सी व्लादिमीरोविच, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी हेल्प करो। लेकिन मैं जल्दी आओ, हमें इसकी जान बचानी है। ठीक है डॉक्टर, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। श, 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 श,
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर आओ। हाँ आ जाओ, हाँ गुड बॉय। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, एक लड़की को, पर मुझे नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। शायद आप उसे जानते हो, उसका नाम आलिया है और उसे साशा भी बुलाते हैं, गोरेचेनकोवा। देखिए, मैं अपने पड़ोसियों को अच्छे से नहीं जानता क्योंकि हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, शायद वो आपकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। इवनिंग। आपकी ये कार तो शानदार है। ये सच है, मेरी तीन पत्नियां आई और चली गई, लेकिन ये गुड़िया मेरे साथ रह गई। आप इस घर में रहने वाली किसी लड़की को जानते हैं? वो चल नहीं सकती, अपाहिज है वो। डिसेबल्ड? नहीं तो। ये आपको कहां से मिली? हाँ, ये मेरे पड़ोसी की लड़की का है। कौन सी लड़की? हेनरी वसिलीविच की बेटी, वो आ गए। तुम खुद ही जा करके पूछ सकते हो उनसे। मरीना विटेलेवना, मैं आपको, अरे यार बेवकूफ, मैं आपको क्या, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मरीना विटेलेवना, मैं आपको, अरे यार ढंग से बोल ही नहीं पा रहा हूँ। Bye, have a nice shift. Take care, good night. Bye. क्या आप लोगों ने, क्या तुम लोगों ने मरीना विटेलेवना को कहीं देखा? वो तो चली गई। बस अभी अभी गई है। कल अपने स्केड्यूल के मुताबिक काम पर आ जाना, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। मरीना, मैं आपको आलिया, बेटा रुक जाइए, रुक जाइए, उसे मत छुइए, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। यहाँ क्या कर रहा है? आलिया, तुम तो चल सकती हो। मैं भाग भी सकती हूँ और कूद भी सकती हूँ, लेकिन कैसे? क्या तुम्हें पता है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी मुझे? साशा, मुझे इसे पीटने दो। नहीं प्लीज, रुक जाइए, ये मेरे पापा हैं, याद तो होंगे ना, भूल गए क्या? ठीक से देखो इन्हें, पता है इन्होंने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया? ये एक बेकर बनना चाहते थे, पाइस बनाने के लिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे बचा रहे थे। इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कई सारी नई रेसिपीज बनाई, ये पाइस और केक्स बनाया करते थे, याद है ना पापा? लेकिन तुम्हारी वजह से इन्होंने 10 साल पहले ही वो सब कुछ बेच दिया, अपना सपना इन्होंने दफन कर दिया, और अब ये एक टैक्सी ड्राइवर हैं और ये छुपकर शराब पीते हैं। रुक जाओ। माफ कीजिए पापा, लेकिन मैं ये सब कुछ जानती हूँ। और ये रहा मेरा भाई, इसने
मेरी दवाइयां लेने के लिए कितनी मेहनत की मैं जानती हूँ। बस भी करो आलिया। इसने अपने बच्चे को नजरअंदाज किया, अपने खून को, और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं मेरे ऊपर क्या बीती है। मैं सर्जिकल टेंट में रहा, मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ उसका गिल्ट कम करने के लिए मैंने 24 घंटे काम किया है, और ये सब उस आलिया के लिए जो तुम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो दर्द दूर नहीं हो पाया, क्योंकि वो यहां था। वो दर्द यहां था उस छोटी सी बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज बनकर। मेरी जिंदगी का हर एक मिनट, हर एक पल, यहां तक कि मेरी नींद में भी वो दर्द चुभता रहा। तुम कम से कम सो तो रहे थे ना, और मैं इतने सालों में बिना दवाइयों के सो ही नहीं पाई। जब मैं 18 साल की हो गई तब जाकर मैं घर वापस आई। 18 साल समझ रहे हो तुम, तुमने मेरा बचपन छीना है। देखो ये देखो, हाथ हटाओ अपना। पता है कितना दर्द होता है मुझे, तुम नहीं जानते। वो मेरे लिए भी आसान नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। साशा बस रुक जाइए पापा। मैं कभी जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में नहीं आई। उस थिएटर में तुम मेरे सामने आए थे, बताओ क्यों आए थे तुम वहां पर? मैंने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे देखो और पहचानो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना। पर मैं कैसे पहचानता कि वो लड़की तुम थी आलिया? मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था तुमसे। चलो चलते हैं बेटा, साशा चलो घर चलते हैं, बहुत हुआ, चलो अब तुम्हें छोड़ो मुझसे इसे। प्यार हो गया हा? तो चलो आखिर कुछ तो सही हुआ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए मेरे अंदर नफरत के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर बोजेनोव, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है, ये सच है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और कल मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। मैंने सिर्फ उसी से सच्चा प्यार किया है और मैं उससे बहुत क्लोज हूँ। और इतना ही नहीं, हमारी डेटिंग के बीच भी मैं उससे बात कर रही थी, कांटेक्ट में नहीं, थी। नहीं, 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 आलिया ये सच नहीं है। तुम्हें इसी तरह जीना होगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, काम करो। तुम्हारे होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलते हैं पापा। आलिया रुको, चले जाओ। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। तुम 10 साल पहले हमारी जिंदगी में और इसे पूरी तरह से बदल दिया। चलो अब चलते हैं। आलिया जाओ यहाँ से, उसका सच में एक बॉयफ्रेंड है। वो एक अच्छा लड़का और उसे हम बहुत पसंद भी करते हैं। उसके बारे में सोचना बंद कर दो, हमें अब अकेला छोड़ दो। चलो चलो चलते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं सर। अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। आपने मुझे क्यों रोका? क्या तुम ठीक हो?